हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कहते हैं आज हम चैप्टर 1 क्लास 7 का स्टार्ट करेंगे जो कि है नंबर सिस्टम। तो हम शॉर्ट में नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम के अंदर हम चार टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर है बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पहला हम लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम आप सब पहचानते हैं, जो भी हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं कोई भी नंबर होता है, जैसे 547, जैसा कि आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं। तो इसमें जो 547 है वो 7 हो गया यूनिट्स प्लेस, फिर हो गया टेंस प्लेस, फिर हो गया हंड्रेड्स प्लेस। इस तरह से नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम काम करता है। डेसिमल नंबर सिस्टम चलता है 0 से 9 तक, जिसमें बेस हो गया 10। याद रखना बच्चों, इसका बेस होता है 10। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स का बेस 2 होता है। दो कैसे? बाइनरी नंबर सिर्फ दो चीज़ों से बना हुआ है, 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर हमारी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है। इसलिए कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, जिसको 0 और 1 के फॉर्म में बनाया गया है, ऑन या ऑफ। इसलिए बाइनरी नंबर्स का बेस होता है 2। अब हम जानेंगे ऑक्टल नंबर्स। ऑक्टल नंबर का मतलब होता है ऑक्ट यानी 8। तो 8 यानी इसका बेस होता है 8, 0 से लेकर 7। बच्चों याद रखना, इसका बेस होता है 8। बस ऑक्टल नंबर में ये इतना सही है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम जानेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका नाम हेक्साडेसिमल क्यों रखा? देखो, हेक्सा का मतलब होता है 6। हेक्सागन जैसे आपने सुना होगा, 6 साइड्स होती है। तो हेक्सागन यानी हेक्स यानी 6 और डेसिमल यानी 0 से 9 हो गया 10। तो 10 और 6 यानी ये 16 नंबर सिस्टम है इसके अंदर, इसलिए इसको कहते हैं हेक्सा डेसिमल। 6 और 10, हेक्सा और डेसिमल, इस तरह से ये 16 नंबर सिस्टम्स पे काम करता है। इसका बेस है 16। अब हम जानेंगे कैसे हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट। तो बच्चों, हम एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 25, जैसा कि आपकी बुक में भी दे रखा है। तो इस 25 का अगर हमें बाइनरी नंबर निकालना है तो हमें इसे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, उसके अलावा कोई भी नंबर से हमें डिवाइड नहीं करना है। तो हम यहाँ पर जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, वैसे ही हम इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब उसके बाद में 2 की टेबल में 25 तो आता नहीं, तो इससे कम में आएगा 12 के नंबर पे, 2 12 24, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12, तो रिमाइंडर यहाँ पर बचा 1, आप रिमाइंडर को यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद में फिर से हम यहाँ पर आएंगे, 2 लिखेंगे। अब 2 की टेबल में 12 कहाँ आता है? 6, तो 2 6 12, फिर से रिमाइंडर बचा, इस बार 0। अब हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल में 6 कहाँ आता है? 3 पे, 2 3 6, तो फिर से रिमाइंडर कितना रहा? 0। अब उसके बाद में फिर से हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं, तो 2 1 2, तो हम लिखेंगे 2 1 2, तो फिर रिमाइंडर बचा 1। अब हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 1 तो आता नहीं, तो हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 2 0, और फिर से रिमाइंडर लास्ट में बचा 1। अब ये हमारा बाइनरी नंबर हमको मिल चुका है। बाइनरी नंबर लिखने के लिए हम, जैसे आपने एरो देख रहे हैं, नीचे से ऊपर एरो जाएगा, तो हमें आंसर यहां से यहां पर लिखना है। कैसे लिखेंगे? यहां से हम पहले 0, फिर आया 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0 और वो 1। इस तरह से हम किसी भी डेसिमल से बाइनरी नंबर्स कन्वर्ट कर सकते हैं। आप भी ऐसे किसी भी नंबर्स को ट्राई करके देखिएगा। अब हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। कैसे हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत इजी तरीका है, बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको बहुत आराम से आप कर पाएंगे। अब हम देखेंगे बाइनरी नंबर टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। बच्चों, हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 11001। अब हमें इसका डेसिमल नंबर पता लगाना है। तो इसका डेसिमल नंबर पता लगाने के लिए सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले आप कॉपी में जब लिखें तो इन सब नंबरों को दूर दूर लिख दें, 1, फिर आप थोड़ा गैप दें, फिर दूसरा नंबर लिखें, फिर आप गैप दें, फिर तीसरा नंबर लिखें, फिर आप चौथा, इस तरह से आप गैप देकर अलग अलग नंबरों को लिख दें।
अब इसका डेसिमल नंबर पता लगाने के लिए उसके बाद में आप बीच बीच में प्लस लगा दें। इनमें प्लस लगाने के बाद में उसके बाद में आपको करना ये है कि आप इनके सब के पास में मल्टीप्लाई टू लिख दें, मल्टीप्लाई टू। ये हो गया। अब आपको इसके ऊपर की पावर डालनी है। इसमें पावर डालने के लिए आपको हर टू के ऊपर एक पावर डालनी पड़ेगी। जैसे टू के ऊपर पावर आपको डालनी है ज़ीरो। हमेशा ही आपको यहाँ से शुरू होना है, यानी आप देखेंगे आपको कभी भी कैलकुलेशन शुरू करनी है तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन को शुरू करना है और एंड तक जाना है। अब आपने टू की पावर ज़ीरो डाली है, क्यों? क्योंकि ये यूनिट है। अब उसके बाद में टेंस, फिर उसके बाद में हंड्रेड, फिर थाउजेंड, इस तरह से हम इसमें नंबर्स को इनक्रीज़ करेंगे। तो बस आपको नंबर इनक्रीज़ करते जाना है। अब आपको सिर्फ नंबर इनक्रीज़ करता जाना है। टू की पावर अब आपने यहाँ पर डाल दिया वन, फिर यहाँ पर टू की पावर, फिर आपने नंबर डाल दिया टू, फिर आपने यहाँ टू की पावर नंबर डाल दिया आपने थ्री, फिर आपने टू की पावर यहाँ आपने नंबर डाल दिया फोर। इस तरह से आपने ये सारे नंबर्स डाल दिए। इस पावर का मतलब होता है, हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे पावर का मतलब क्या है। अब आप देखोगे वन इंटू टू फोर का मतलब हुआ गया चार बार फोर को मल्टीप्लाई करो, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, ये चार हो गया। फिर आपने प्लस का निशान लगाया। अब वन इंटू, हम ये बारे में देखें, टू टू द रेस्ट ऑफ पावर थ्री का मतलब हो गया दो को तीन बार मल्टीप्लाई करें, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। फिर आप प्लस का निशान लगाएं, फिर आप ज़ीरो के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो ही होगा, लेकिन हम फिर भी टू मल्टीप्लाई टू क्योंकि उसके ऊपर टू टू द पावर टू लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में प्लस का निशान लगाएं, फिर आप ज़ीरो इंटू टू टू द पावर वन है तो एक बार ही टू यूज़ होगा। उसके बाद में आप फिर प्लस लगाएं और वन इंटू टू टू द पावर ज़ीरो का मतलब होता है वन, तो आप सिर्फ वन ही लिखेंगे। इस तरह से आपने इनको सेग्रीगेट कर दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि टू टू द पावर फोर का मतलब होता है दो को चार बार लिखना है, टू टू द पावर थ्री का मतलब हो गया दो को तीन बार मल्टीप्लाई करना है, टू की पावर टू का मतलब हो गया दो बार मल्टीप्लाई करना है, और एक का मतलब एक बार, और टू टू द पावर ज़ीरो का मतलब होता है वन। अब हम इसका आंसर निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखेंगे पहले इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 16। तो हमने लिखा 16, फिर प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू टू और इंटू टू एट, एट वन ज़ा एट, तो हमने यहाँ कर दिया 8। फिर हमने प्लस का निशान लगाया, ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 0। फिर हमने प्लस का निशान लगाया, फिर उसके बाद में 0 टू ज़ा 0, तो फिर हमने 0 लगाया, फिर हमने प्लस का निशान लगाया 1 इंटू 1 1। इस तरह से जब आप इसको पूरे को जोड़ लेंगे, इसको पूरा ऐड कर दीजिए, तो आप इसका आंसर देखेंगे 24 125। इस तरह से आपने इसका आंसर हो गया 25। तो इस तरह से हमने किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप भी इस तरह से किसी भी एक कोई भी एक पैटर्न ऐसे नंबरों का लिख दीजिए वन और ज़ीरो के फॉर्म में, फिर पता लगाइए कि उसका डेसिमल नंबर क्या है। अब हम जानेंगे कंप्यूटर अर्थमेटिक, यानी हम बाइनरी एडिशंस कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे। हम छोटे छोटे एग्जांपल चारों के लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम इन सब के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं बाइनरी एडिशन। इसके अंदर एक टेबल होती है, जैसे कि टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक टेबल का कॉम्बिनेशन है जिसको हमें फॉलो करना है एडिशन के वक्त। ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, वन और ज़ीरो वन प्लस ज़ीरो वन रहेगा, ज़ीरो प्लस वन वन रहेगा, और वन प्लस वन जब होगा तो टेन बन जाएगा और वो ज़ीरो नीचे आएगा और वन कैरी ओवर हो जाएगा। कैसे करना है वो हम देखते हैं। बाइनरी एडिशन करने के लिए हम सबसे पहले कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, बाइनरी नंबर 1101। आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा इनको दूर दूर लिख देता हूँ। उसके बाद में फिर से हम एक नंबर लिखते हैं 01
0 1। इसको भी मैं थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ। जितना आप बच्चों दूर दूर लिखेंगे कॉपी के अंदर भी, उतना आपको इजीली समझ में आएगा। अब हमें इन नंबरों को प्लस करना है। जो मैंने आपको टेबल बता रखी है उसके अकॉर्डिंग इसे प्लस करने के लिए अब हमें फॉर्मूले को याद में रखना है। जैसे हमने देखा था कि 1 और 1, तो जब भी 1 और 1 होगा तो वो होगा 10। तो 10 का मतलब 10 का 0 आएगा यहाँ पर और 1 ऊपर चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर हमेशा आ जाएगा 1। तो ये इस पर कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 1 और 0 कितना हुआ, 1, तो हम फिर से लिख देंगे 1 इस तरह से। अब उसके बाद में हम फिर से आ गया 1 और 1, तो 1 और 1 फिर से हो गया 10। तो 10 का हम सिर्फ 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पर इसका कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये 1 और 1 10 हो गया, तो ये 0, फिर ये 1 आया, 1 और 0 1 हुआ, फिर 1 और 1 10 हो गया, तो 10 का 0 ये आ गया, ठीक है। और ये 1 इधर आ गया, और फिर से 1 और 1 10 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 10। इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। इस तरह से आप किसी भी बाइनरी एडिशंस कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, 1 और 1 1 और 1 जब भी होगा तब वो 10 होगा, तो उसका 0 नीचे आएगा या 0 नीचे आएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। आप ट्राई करें और उसके बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम जानेंगे बाइनरी सब्स्ट्रैक्शंस कैसे करते हैं। बाइनरी सब्स्ट्रैक्शंस करने के लिए बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए हमने एक ये 2 नंबरों को लिया है, बाइनरी नंबर्स को, इसको सब्स्ट्रैक्ट करना है। बस जो आपको रूल्स मैंने बता रखे हैं और जो आपको साइड में दिख रहे हैं, इन रूल्स को ही फॉलो करना है। आपको एक ही रूल फॉलो करना है जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है, कि जब भी 0 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें बोरो करना पड़ेगा पास वाले नंबर से। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये हो गया, जब हमने इसमें से बोरो किया इधर, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 10। जब हम 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें 9 नहीं आएगा, इसमें आंसर आएगा आपका 1, क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स है। तो हमने जैसे एज पर रूल पास में आपको दिख रहा है ये टेबल उसकी, कि 0 माइनस 1 जब भी होगा तब उसका आंसर 1 आएगा, और उसमें हमको बोरो करना पड़ेगा पास वाले से एक नंबर को, जिस जो हम ऊपर आप देख रहे हैं 10 ले चुके हैं। अब 0 और 0 तो ऑब्वियस है 0 ही रहेगा, तो ये आंसर हो गया इसका 0। अब 1 और 1 ये हो गया आपका 0, तो हम यहाँ फिर लिख देंगे 0, और उसके बाद में 1 माइनस 0 ये आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप घर पे ऐसे ही कुछ नंबर्स को ट्राई करें। अब हम देखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं। ये बहुत इजी है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए सबसे पहले हमने कोई भी एक नंबर ले लिया, जैसे ये 1111 और 010, इसको सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करना है। तो सबसे पहले हमने इस 0 से इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आएगा 000। ये हमारा आंसर आया 000। उसके बाद में अब हम करेंगे इस 1 को इन तीनों से, तो आंसर आएगा 111। तो 111 हम फिर जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इसका आंसर आ जाएगा 000। तो ये आंसर हो गया 000, और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, और फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। तो इसे सिंपल हम जैसे हम एडिशन करते हैं बाइनरी का, उसी तरह से आपको इसका एडिशन करना है। अब इसका एडिशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हो गया आपका ये 0, फिर 0 और 1 0, तो फिर आपने लिख दिया 0, फिर 1 0 1 0 ये भी हो गया 1,
फिर उसके बाद में वन और जीरो, तो ये भी हो गया आपका वन। और फिर ये आपको लास्ट वाला हो गया जीरो। तो इस तरह से आपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बाइनरी डिवीजन कैसे करते हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। अब हम सीखते हैं बाइनरी डिवीजन कैसे करने हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं 110 डिवाइडेड बाय 10। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इस 10 को यहाँ लिख दिया है और 110 को हमें डिवाइड करना है। तो 10 की टेबल में 11 तो आएगा नहीं, तो उससे छोटा नंबर आएगा, 10 वन 10। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 10। अब हम इसको यहाँ पर माइनस करेंगे, तो जब हम उसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 0 और 1। और फिर हम ये ऊपर वाला 0 यहाँ पर कैरी कर देंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया वापस से 10। अब हम फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, 10 वन ज़ा, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया और उसके बाद में हम यहाँ पर लिख देंगे वापस से 10। अब हम इसको वापस से माइनस करेंगे, तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर वापस आएगा 0, तो आंसर हो गया 0। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर नीचे आता है ये कहलाता है इसका रिमाइंडर, ये रिमाइंडर। और ये जो 11 जो इसका आंसर आया है ये आपका कहलाता है कोशेंट, कोशेंट, ये कहलाता है आपका कोशेंट। और ये जो है आपने जिस नंबर को डिवाइड किया है ये कहलाता है डिविडेंड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं। आप भी ये नंबर्स ट्राई करें और प्रैक्टिस करें। मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है और कुछ कुछ के हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। अब आप भी उन चैप्टर्स को वापस से एक बार गो थ्रू कर लें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।